नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। पेंशन और युवाओं में बढ़ता नशा सरकार के लिए नासूर बन सकता है, क्योंकि विपक्ष इन दोनों ही मुद्दों को लेकर के सरकार पर हमलावर हो सकती है। जबकि आगामी 20 फरवरी को हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू होने जा रहा है। सरकार के 100 दिन के कार्यकाल को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान पूरे आसार पर है। सरकारों ने अपने वायदों से अभी कोसों दूर हैं, वहीं घोषणा पत्र में किए हुए वायदे भी अभी आधे अधूरे लागू किए जा रहे हैं। ऊपर से गठबंधन सरकार की हिस्सेदारी JGP ने 5100 रुपये प्रति माह पेंशन का वादा चूक कर दिया था, पर कुर्सी पर बैठते ही वह भी भाजपा का भाषण बोलने लगी, यानी जो भाजपा कहती है वही JGP भी करने लगी है। प्रदेश में बढ़ता हुआ नशे का कारोबार सरकार की बदनामी का सबब भी बनता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी पेंशन में 250 रुपये प्रति की वृद्धि को भी वृद्धों का अपमान बता रही है। प्रदेश के कॉलेजों में जहां नशा बढ़ रहा है, सरकार को अगर विपक्ष के हमले से बचना है तो पूरी तरह से तैयारी करनी होगी और सदन में जाना होगा। आज विपक्ष सरकार पर जो आरोप लगा रहा है, वहीं प्रदेश की भी जनता भी ऐसे ही आरोप लगा रही है। दिल्ली चुनाव में भाजपा की जो बुरी हालत हुई है, उससे भी प्रदेश की भाजपा सरकार को सबक लेना होगा, क्योंकि आने वाले समय में भाजपा के लिए ठीक दिखाई नहीं दे रहा है। इस बार भाजपा सरकार ने अपने पुराने वाले तेवर में नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्री तक तनाव में दिखाई देते हैं। इसका एक और कारण है कि पिछले चुनावी घोषणा में किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं हो पाए, क्योंकि अगर अकेली भाजपा की सरकार होती तो शायद कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता था, लेकिन अब JGP के साथ गठबंधन कर सरकार मझधार में फंसी दिखाई दे रही है। JGP ने जहां जनता से 5100 रुपये प्रति माह पेंशन देने का वादा कर वोट मांगा था, तो वहीं वोट मिला भी। हालांकि सरकार नहीं बन पाई थी, पर सरकार बनाने में अहम भूमिका जरूर निभाई। अगर JGP चाहती तो सरकार पर दबाव बना करके 5100 रुपये प्रति माह पेंशन लागू करवा सकती थी, पर वह भी भाजपा के दबाव में आ गई। अब भाजपा ने महंगाई दर के हिसाब से 160 रुपये प्रति माह की दर से वृद्धि की, तो JGP का दावा है कि उसने सरकार से कहकर 90 रुपये और बढ़वाए हैं। अगर BJP सरकार JGP का कहना मान रही है तो JGP ने पेंशन 5100 रुपये करने के लिए क्यों कहा, और कहा भी तो दबाव क्यों नहीं बनाया, क्योंकि विपक्ष पेंशन को लेकर के सरकार पर लगातार हमलावर हो रहा है। विपक्ष का आरोप है कि JGP प्रदेश में बुजुर्गों के किए हुए वादों से मुकर रही है और बुजुर्गों के साथ धोखा किया गया है। पेंशन 5100 रुपये करने का वादा वोट के लिए किया गया था, परंतु अब उन्हें आग दिखाई जा रही है। अब विपक्ष के हमले को देखते हुए हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि पेंशन का मामला उनके अधीन आता है। विपक्ष के हमले का जवाब देने के लिए इस विभाग के अधिकारी जोरदार तैयारी कर रहे हैं, परंतु विपक्ष है कि इस मामले में सरकार की एक भी दलील सुनने को तैयार नहीं होगा। इसके अलावा विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए एक बड़ा और दूसरा हथियार भी मौजूद है, वो है नशे का। जहां नशे को लेकर के पहले पंजाब का नाम आता था, पर अब हरियाणा का नाम लिया जा रहा है। पाकिस्तान से पंजाब में बाया दिल्ली होते हुए हरियाणा के विभिन्न जिलों में खासकर सिरसा पहुंच रहा है ये पूरी तरह से भरा हुआ नशा, क्योंकि इस तरह के जिले नशे के घर के रूप में बदनाम हो रहे हैं। सिरसा जिले में नशा तस्करी में सत्ता पक्ष से जुड़े कई लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद शासन और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। विधानसभा चुनाव में सिरसा जिले की एक सीट से उम्मीदवार का नाम सूची में काटने पर मुख्यमंत्री ने सिरसा की एक जनसभा में सफाई दी थी कि वह व्यक्ति नशे के कारोबार से जुड़ा हुआ था। जब तक वह भाजपा के साथ रहा, उसे सरकार से कोई शिकायत नहीं थी, पर जैसे ही उसने भाजपा के विरोधी दल का दामन थामा, वह नशा तस्कर हो गया। प्रदेश में सिरसा जिला ही एक ऐसा है जो नशे की चपेट में सबसे ज्यादा है। सत्ता पक्ष का कहना है कि छोटे मोटे तस्करों को दबोचकर पुलिस रिकॉर्ड पूरा कर रही है, जबकि बड़ी मुर्गियों पर आज तक हाथ नहीं डाला गया। हालांकि पुलिस पक्ष की तरफ से सत्ताई होने की वजह से नशे में काफ़ी गिरावट भी आई, लेकिन मादक पदार्थों के रेट
और दाम कई गुना बढ़ भी गए। अब नशा करने वाले युवक किसी भी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हो सकते हैं, परंतु नशे से नुकसान समाज का ही होता है। अब विपक्ष का भी आरोप है कि युवा खासकर छात्रों में नशे की लत बढ़ रही है, चार गुना नशा बढ़ा है खासकर छात्रों में, यानी कहीं न कहीं कोई गड़बड़ है। विपक्ष का ये मानना है कि सत्ता पक्ष के बिना किसी सहमति के इतना बड़ा कारोबार नहीं किया जा सकता। सरकार की मदद से ही चलने वाले नशा मुक्ति केंद्रों का भी बुरा हाल बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उसमें सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों को वेतन तक के लाले पड़े हुए हैं। लोग प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्रों पर अपने बच्चों को नशा छोड़ने के लिए छोड़ आते हैं, जहां पर उनकी पिटाई करने के साथ साथ नशा छुड़ाने का प्रयास किया जाता है। इसमें कालावाली के एक युवक को संगरिया के एक नशा मुक्ति केंद्र में दाखिल करवाया था, जहाँ पर उसकी मौत हो गई। विपक्ष का कहना है कि अगर सरकार नशे को लेकर के गंभीर है तो उसे नशा तस्करों के खिलाफ कड़ा कदम उठाना चाहिए, चाहे वह किसी दल का हो। नशा मुक्ति केंद्र खोलकर युवाओं को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। युवा अगर सुरक्षित है तो समाज भी सुरक्षित होगा, समाज सुरक्षित है तो प्रदेश और देश भी सुरक्षित होगा। हालांकि इसके लिए सरकार को पूरा फीडबैक भी मिला हुआ है। विपक्ष किन किन मुद्दों को लेकर के सदन में उनका घेराव कर सकता है, इसके बारे में विवेक बखूबी जानते हैं। इसके अलावा धान का घोटाला भी सरकार के लिए सर दर्द बना हुआ है। घोटाला हुआ है ये सब जानते हैं, पर मानने को सत्ता पक्ष भी तैयार नहीं है। खैर, सरकार जनहित की बात करेगी और विपक्ष जनता की आवाज़ सदन में उठाएगी। अब विपक्ष का तो यही कहना है कि सरकार अभी तक जनता की कसौटी पर खरी नहीं उतर पाई। अभी तक सरकार और उसके सहयोगी दल के नेताओं के बीच में तकरार चल रही है, जबकि सरकार को इस तकरार से बाहर निकलकर जनता के लिए किए गए वादों को पूरा करना होगा। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट।